वाराणसी ब्रेथ इजी चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 80 वाराणसी द्वारा विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2023 की पूर्व संध्या को ब्रेथ इजी कॉन्फ्रेंस हॉल 80 वाराणसी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ टीबी श्वास एवं एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर एस के पाठक ने बताया कि हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। उद्देश्य टीबी महामारी से निपटने के लिए आशा को प्रेरित करना और उच्च स्तरीय नेतृत्व निवेश में वृद्ध WHO की नई सिफारिशों को तेजी से अपनाना, नवाचारों को अपनाना, त्वरित कार्रवाई और बहु क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका पूरा संभव इलाज है तथा इस इलाज में 6 से 8 माह का समय लगता है और टीबी की बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है। टीबी को 2025 तक समाप्त करने की कोशिशों के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने बेहद महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनमें सफलता भी मिली है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय टीबी संक्रमित लोगों की मदद करने वाली नीतियों को बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। विश्व टीबी दिवस पे ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है और जो 24 मार्च को हर साल WHO द्वारा मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को जागरूक करना, मरीज को जागरूक करना कि टीबी जैसी बीमारी को बिल्कुल इलाज 100% संभव है अगर आप सही समय पर सही इलाज शुरू करते हैं और सही तरीके से इलाज लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि टीबी के मरीज जिनको प्रॉब्लम रहती है, खासकर 3 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही है, कफ बलगम में खून की शिकायत आ रही है, वजन गिर रहा है, भूख नहीं लग रही, ये कुछ लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट, एक्सरे और बलगम की जांच होती है जिससे इस चीज़ को कन्फर्म करने के बाद इलाज का कोर्स 6 से 8 महीने होता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति इलाज छोड़ देता है तो ये कोर्स अधूरा हो जाता है, जो खतरनाक MGR TB का कारण बन सकता है और ये इलाज काफ़ी खर्चीला हो जाता है। जैसे नॉर्मल टीबी की दवा अगर हम देते हैं तो 10 से 15 हज़ार में कोर्स कंप्लीट हो जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अगर सरकारी में जाती है निःशुल्क इलाज होता है। अगर किसी कारण से प्राइवेट सेक्टर में आप इलाज करा रहे हैं तो इलाज को अधूरा न छोड़ें, इसका पूरा कोर्स करें। अगर कोर्स में अधूरा छोड़ते हैं तो ये बीमारी MGR TB अगर बदल जाती है तो काफ़ी खतरनाक हो जाती है और इस खतरनाक स्थिति में जो भी बीमारी होती है उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके जो परसेंटेज ऑफ ट्रीटमेंट रेट होता है तो 60-70% ही रह जाते हैं।